लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अल्लाह के फजल करम से आप सब अच्छे ही होंगे। तो अच्छे होंगे तो गाइस देखिए, हम लोग का शिफ्टिंग के लिए सारा कपड़ा हम लोग का पैकिंग होना चालू हो गया। ये बस्ता आया, ये बस्ते में एक बस्ता कपड़ा, अभी दूसरा बस्ता यहाँ मैं नीचू में रखी हुई हूँ। और देखिए मेरे साथ मेरी फातिमा भी काम कर रही है शिफ्टिंग में, ये भी काम कर रही है देखिए हम लोग के साथ, ये भी मेरी छोटी सी हेल्पर है। तो गाइस बहुत टेंशन हो रहा है क्योंकि कल मंगलवार का हम लोग टाइम लिए थे, दो दिन का टाइम लिए थे, आज दावत में जाना, तो इसलिए हम लोग दो दिन का टाइम लिए थे अंकल से, तो मंगलवार तक का टाइम है। लेकिन इनके पापा बोले हैं कि कल ही हम लोग घर खाली कर देंगे, जितना जल्दी हो जाए उतना टेंशन फ्री हो जाए हम लोग। और टेंशन हो रही है ये मुझे गाइस कि कल घर खाली होगा तो इसके पापा तो सामान वामान उठा के लेके जाएंगे, और सामान उठाने वाले को बुलाया जाता है, उसे कुछ पैसा दिया जाता है तो वो हम लोग का शिफ्टिंग करवा देता है, सामान ले आके हम लोग जहाँ घर रख लिए हैं वहाँ रख देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये टेंशन हो रहा है कि दोनों बच्चों को लेकर मैं सारा दिन कहाँ रहूँगी। तो मेरी मछली बहन, मेरी बहन भी यहाँ, बहन का घर है, तो इसके पापा बोले कि सारा दिन तुम वहाँ बाबू लोग को लेकर चली जाना। लेकिन उसके बेटे का भी फीवर आया है, वो भी थोड़ी परेशान है अपने बच्चे को लेकर, और मेरी फातिमा जाएगी तो उन लोगों को बहुत परेशान करेगी, उसे आराम करने नहीं देगी, तो इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो रहा कि सारा दिन मैं इन लोगों को लेकर कहाँ रहूँगी, और फिर कहाँ मैं सरलक फातिमा को बनाकर खिलाऊँगी, रेहान को खिलाऊँगी। तो रेहान तो फिर भी रेहान बहन का और मेरा खाना इसके पापा होटल से ला देंगे तो हम लोग खा लेंगे। ये मेरे नंदोसी है, ये रजनी है, वो मेरे भसूर है, ये सास है, वो ननद है, और ये मेरा रेहान है। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसी लग रही है। आप मामा से फोटो खींचो पीछे ना, अब भाई खुद बोली आप फोटो का और कोई पीछे लाइव है आप लोग देख रहे कितना बड़ा हॉल है गाइस। ये देखिए मेरी सास है, मेरे भसूर है, वो मेरी बड़ी गुटनी है, कोई नहीं वीडियो बना रहे, ये जो आप खूबसूरत सा लेडी देख रहे हैं ये मेरी इकलौती एक नाक कान में ननद है, और ये मेरा नाक कान में एक ठो भगना है और नाक कान में एक ठो भगनी है, और इकलौता एक ठो नंदोसी है। बेटा तो सभी जाने मेरा बेटा है, एक तो ढिले में नाक कान में एक तो देवर है, नाक कान में एक तो देवर, ये मेरे एक तो नाक कान में देवर है। आप तो कोई नहीं है, बहुत प्यारी लगी, बहुत प्यारी लगी, मोटा भारी है, तो उसको क्या मेरे गुज पहन गए 40,000 अच्छी लग रही, लेकिन ना बाबा दाम क्या बता, हाँ पूरे ओ नेहा पूरे नथिया पहनती ना जी लहंगा में, हाँ जी बहुत अच्छा लगता है। हाँ बैठो बेटा,
अभी चुप हो ना, क्यों ये कर रहे हो तुम?